हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा, वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 आर कंट्री इंडिया रीड आउट करेंगे। जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, आर कंट्री हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि इंडिया के बारे में क्या क्या है, कुछ मतलब यहाँ पे कौन सी कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है, यहाँ के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इन सब के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंसेस। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं अलग अलग, ठीक है। इंडिया के अंदर माउंटेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, प्लेन भी है, कोस्टल एरियाज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट है ये। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड्री बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। जैसा कि मैंने अभी बताया, नॉर्थ में इसके क्या है, हिमालयाज हैं। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में क्या है इसके, इंडियन ओशन। नॉर्थ में हिमालय है, फिर उसके बाद वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, एंड बिल्कुल साउथ में जो है इंडियन ओशन है। वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3,200 किलोमीटर। और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो जो ऊपर लद्दाख है जम्मू में, और वहाँ से कन्याकुमारी वेस्ट बंगाल तक जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 3,200 किलोमीटर। एंड द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू कुछू इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी कि गुजरात से लेकर पूरा लास्ट तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक, कच्छ जो गुजरात में है। द लॉफ्टी माउंटेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यू सरफेस, एंड द कोस्टल एंड द आइलैंड प्रेजेंट इन डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब देखो यहाँ पे लैंडफॉर्म की काफ़ी डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ माउंटेन्स भी है, इंडियन डेजर्ट भी है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी है, प्लेट्यू भी है, ठीक है। तो हर जगह जो इंडिया का सरफेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कोस्टल एरियाज भी यहाँ पे हैं, आइलैंड्स भी हैं इंडिया में। देर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेटिक वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एज वेल एज द लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे कि अब जो लैंडफॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो लैंडफॉर्म में जितनी डाइवर्सिटी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, लैंग्वेज है, कल्चर है, वो भी उसी के अकॉर्डिंग अलग होगा। इन दिस डाइवर्सिटी, इसी डाइवर्सिटी में वी फाइंड यूनिटी, इसी में हम अनेकता में एकता पाते हैं। दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एन अ नेशन। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, यूनिटी देखते हैं। हमारे जितने डाइवर्सिटी हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग यहाँ पे क्लाइमेट है, वेजिटेशंस भी अलग हैं, और फिर भी इसमें एक यूनिटी है जो सबको क्या करती है, बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है। द पेनिनसुलर इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड। पेनिनसुलर एक ऐसी लैंड का टुकड़ा होता है या एक लैंड का पार्ट होता है जो थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है, या थ्री साइड्स उसके वाटर होता है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। कितनी है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। एक एंड इट इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में चाइना के बाद ये सेकेंड नंबर पे आती है कंट्री की पॉपुलेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, एंड आफ्टर दैट इन इंडिया। डू यू नो लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें उस ईस्ट टू वेस्ट तक उसके नापने की, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड में नहीं है। टाइम फॉर द होल कंट्री, द USA, कैनेडा हैव 7 और 6 टाइम जोन रेस्पेक्टली। उन सबके जो टाइम जोन होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। अगर आपको पता ना हो तो जो भी कंट्रीज अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें, वेस्ट टू ईस्ट देखें, तो सभी कंट्रीज का टाइम अलग अलग होता है। डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? क्या आपको पता है कि रशिया में कितने टाइम जोन है? तो रशिया में कितने टाइम जोन है? रशिया में 11 टाइम जोन है, ओके, क्योंकि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है। लोकेशनल सेटिंग्स, अब लोकेशनल सेटिंग की अगर हम बात करें, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 degrees and 30 minutes नॉर्थ से लेकर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे। ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या ये जो इंडिया के बिल्कुल ऑलमोस्ट मतलब हाफ में से जाती है, अगर इंडिया बना हुआ है तो उसके हाफ में से ये लाइन जाती है थ्रू द कंट्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ में अगर हम बात करें, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 degrees 4 minutes, ये नॉर्थ में है, 8 degrees 4 minutes नॉर्थ से लेकर 37 degrees
6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक हमारा इंडिया है, यानी कि केरला या उसके नीचे का बिल्कुल पार्ट जो है 0 डिग्री से फिर 1, 2, 3 एंड 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, और जो जम्मू का एरिया है सबसे लास्ट 37 डिग्री 6 मिनट्स तक वहाँ आता है ये। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें, इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में ये है हमारे इंडिया की जो फैला हुआ है। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, अगर हम बात कर रहे हैं या वर्ल्ड को डिवाइड करें ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो इंडिया कहाँ पे आता है हमारा, ईस्ट में आएगा या वेस्ट में आएगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। विच हेमिस्फेयर वुड इंडिया बिलोंग टू, ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द अबाउट 29 डिग्री दैट कुड बी अ वाइड डिफरेंसेज इन लोकल टाइम टू प्लेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट्स के बीच में 29 डिग्री का गैप है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स, और दोनों के बीच में कितना गैप होगा, अगर हम गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोनों के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होगा। एज यू हैवन लर्नड अर्लियर, जैसा कि तुमने पहले पढ़ा है, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स, हर एक जो लोकल टाइम वो 4 मिनट बढ़ जाता है आगे, फॉर एवरी 1 डिग्री, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट आगे बढ़ता है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट, ईस्ट में जो सन है वो 2 घंटे पहले उग जाता है और वेस्ट में 2 घंटे बाद में। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर बाय द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल 80 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, जो हमने लोकल टाइम लिया है इंडिया का वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट से लिया है, टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, ये गुजरात के साइड भी सेम टाइम दिखाएगा और अगर हम अपनी ही कंट्री में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी हम सेम टाइम शो कर सकते हैं। वैसे रियल में हमें पता है कि 2 आवर्स का दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ट्रांसपोर्ट्स वगैरह का इस सिस्टम को देखते हुए और काफ़ी सारे सिस्टम को देखते हुए हमें एक एग्जैक्ट टाइम ले लेना है, तो हमने कहाँ से लिया टाइम, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से लिया है। दिस मेरिडियन ऑन लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि इंडिया का टाइम 82 डिग्री एंड 30 मिनट से लिया गया है, दैट्स वाई इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ओके, इंडियाज नेबर्स, देर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लो लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं, उनके नेम हैं, उनके नेम आप फाइंड कीजिए कौन कौन से नेम हैं, ठीक है, जो इंडिया के साथ टच होते हैं। ऑफ दीज कंट्रीज, जैसे 7.1 में हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सीज, और कितने कंट्रीज़ की अलग अलग ओशन या सीज के साथ टच होते हैं, एक्रोस द सी ऑफ द साउथ, साउथ के सी, ले और आइलैंड्स, आइलैंड के साथ कौन से टच होते हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका इंडिया से अलग है बाय द पाक स्ट्रेट, किससे टच होती है वो, पाक स्ट्रेट से, जो बीच का रास्ता है, जैसे आपको यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है इंडिया, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, श्रीलंका और इसके बीच में जो ये है, जो ये रास्ता है, इसको क्या बोलेंगे हम, पाक स्ट्रेट, और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, और ये दूसरी कंट्री है मालदीव, जो हमें आइलैंड से टच होती है हल्की हल्की, ठीक है, मतलब हमारे उसमें आती है, तो ये मालदीव ये भी एक कंट्री है। तो कितनी कंट्री हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये भी तो टच होते हैं ना यहाँ से, अफगानिस्तान भी हल्का सा यहाँ से टच होता है, तो इस तरीके से ये कंट्रीज हमारे टच होते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी जो हमने पढ़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना था, 3,214 और यहाँ से 2,900 किलोमीटर यहाँ तक, ठीक है, ये जो डिफरेंस है। और इंडिया में सबसे ऊपर हिमालयाज हैं और नीचे इधर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे इंडियन ओशियन है। ओके, अब देखो पॉलिटिकल मैप आपके सामने, इसके अंदर आपको दिखा रखा है पाकिस्तान, चाइना, अब इसके अंदर इंडिया के अंदर की जो जगह है उनके बारे में बताया गया है, जैसे कहाँ पे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं इंडिया की, ये आपको शो की गई हैं, ठीक है, तो ये आपको मैप अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिजिकल मैप, अब ये हमारा क्या था, पॉलिटिकल मैप था और ये हमारा फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आपको अलग स्टेट्स की अलग अलग बाउंड्रीज बताई गई हैं कि किसकी बाउंड्री कहाँ तक है, लेकिन इंडियन फिजिकल मैप में आपको दिखाया गया है कि ये जो एरिया, ये हिमालय का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेट डेजर्ट है, ठीक है, ये विंध्या रेंजेस हैं यहाँ पे, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है, डेक्कन प्लेट्यू हमारा बिल्कुल यहाँ है बीच में,
ठीक है। तो ये अलग अलग जगहें आपको दिखाई गई हैं, हमारी इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी आपको कलर गिवन है, देखो अगर ऐसी लाइन है दैट मीन्स माउंटेन या हिली रेंजेस है, ये कलर देखा है माउंटेन रीजन है, यहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं। ये जो येलो कलर दैट मीन्स प्लेट्यू वहाँ पे अवेलेबल है, और ग्रीन कलर तो प्लेन रीजन है, प्लेन एरिया यहाँ पे है। ओके, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, अगर हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात करें, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से देखें, इंडिया में जो डिवाइडेड है वो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अपेंडिक्स वन, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और जो स्टेट्स हैं वो मेनली किस पे बेसिस है, लैंग्वेज पे बेसिस हैं। एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है, दीज आर वेरी फाइन सॉइल, ये बहुत ही फाइन सॉइल, बहुत बारीक सॉइल होती है, ब्रॉट बाय रिवर्स, जो रिवर अपने साथ लेकर आती है और डिपॉजिट करती है रिवर किसमें, बेसिन्स में। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी के बारे में हमने पढ़ा, ये वो रिवर होती हैं जो कि एक मेन रिवर में आकर मिल जाती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, उसके मेन रिवर के बहाव को और बढ़ा देती हैं। अ रिवर और स्ट्रीम विच कॉन्ट्रीब्यूटेड्स वाटर टू ए मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इन टू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी एक साइड से आकर ट्रिब्यूटरी इसमें मिल जाती है मेन रिवर में और अपना पानी भी उसमें डाल देती हैं और उस पानी के बहाव को बढ़ा देती हैं। फिजिकल डिवीज़न, इंडिया इज मार्क्ड बाई डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स। अब इंडिया में डाइवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिकल फीचर्स में भी बहुत डाइवर्सिटी है, कहीं पे इसमें माउंटेन इंडिया में, कहीं प्लेट्यू है, प्लेन है, कोस्टल एरियाज हैं, आइलैंड्स हैं। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ एंड द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज, अगर सबसे ऊपर बात करें हम नॉर्थ में रहने की, तो हिमालयाज बिल्कुल स्नो कैप है वहाँ पे, यानी कि हिमालयाज में बिल्कुल ऊपर की जो पीक है वहाँ पे हमेशा बर्फ गिरती रहती है, जिसको बोलते हैं हिमालया। हिम का मतलब क्या होता है, स्नो, मीन्स द अबोड ऑफ स्नो। हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पैरेलल रेंजेस, हिमालय जो माउंटेन्स जो है वो थ्री मेन पैरेलल रेंजेस से बटी हुई है, जैसे कि आपको नजर आ रही है, देखो यहाँ पे 1, 2 एंड ये 3 शिवालिक, ठीक है। 3 रेंजेस है, कौन कौन सी हैं, नॉर्थ मोस्ट में सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालय, देन हिमाद्री, ठीक है, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो इसी रेंज में पाया जाता है, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री में, ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री बोला जाता है। एंड मिडल हिमालय और हिमाचल लेज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, और जो मिडल हिमालय है वो हिमाद्री का कहाँ पे है, साउथ में, यानी कि हिमाद्री के नीचे आता है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हेयर, और हिमाद्री में ही बहुत सारे वो हैं हिल स्टेशन हैं जिनमें लोग घूमने जाते हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 हिल स्टेशन, कोई भी 5 हिल स्टेशन आप बता सकते हो, जैसे शिमला है, मनाली है, ठीक है, देहरादून है, ये सारे के सारे कहाँ पे आते हैं, मिडल हिमालय में। द शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज, और जो शिवालिक है वो साउदर्न मोस्ट रेंज है, सबसे लास्ट में। द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन लाइज टू द साउथ टू द हिमालयाज, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो इनके साउथ में आता है, किसके, शिवालिक श्रेणियों के, दे आर जनरली फ्लैट, ये जनरली क्या है, फ्लैट हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट, और ये किससे बने हुए हैं, एलुवियल डिपॉजिट से बने हुए हैं, एलुवियल डिपॉजिट जो रिवर अपने साथ लेकर आते हैं, जैसे इंदस है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी रिवर अपने साथ जो भी, या इनकी ट्रिब्यूटरीज जो भी अपने साथ डिपॉजिट लेकर आती हैं माउंटेन से और आके प्लेन एरिया में डाल देती हैं, उसी से नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड, और इन्हीं के कारण यहाँ पे बिल्कुल फर्टाइल लैंड है जहाँ पे कल्टीवेशन की जा सकती है इजीली। यही एक रीज़न है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन रहती है प्लेन एरिया में। वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें इंडिया में, तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाया जाता है वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि राजस्थान है ना, तो वहाँ पे क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये ज़्यादातर सूखा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म है और सैंडी भी है, बहुत मिट्टी यहाँ उठती है। इट हैज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सूखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, यहाँ पे कल्टीवेशन इतनी नहीं की जा सकती। साउथ एंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ जो सरफेस है अर्थ का, वो बिल्कुल अनइवन है। दिस इज़ अ रीज़न विद न्यूमीरियस हिल रेंजेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस भी हैं, वैलीज भी हैं, अरावली हिल भी है। अरावली हिल जो है बहुत ही पुरानी ओल्डेस्ट रेंजेस में से एक है वर्ल्ड में, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ वेस्ट साइड में है। द विंध्यास एंड द सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस, और यहाँ पे जो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस भी पाई जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, और यहीं से रिवर कौन कौन सी, नर्मदा और तापी भी बहती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इन टू द अरेबियन सी, और ये वेस्ट की साइड फ्लो करती हैं, बहती हैं, जो कि अरेबियन सी में जाकर
गिर जाते हैं द वेस्टर्न घाट और द शारदरी बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट। यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट या शारदरी बॉर्डर है जो कि वेस्ट में है, एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, और जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करता है। द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस, जो वेस्टर्न घाट है वो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब बिल्कुल कॉन्टिन्यू है, बीच में गैप कम है। द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन, और जो ईस्टर्न घाट है वो अक्सर टूटा हुआ है ज़्यादातर, ठीक है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल लाइक कॉयल एंड आयरन ओर, और ये जो प्लेटू है यहाँ पे तो ये क्या है कि बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, कोयला वगैरह है, आयरन ओर है, ये सब इसी प्लेटू से पाए जाते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इज कोस्टल प्लेन्स, जो वेस्ट की साइड वेस्टर्न घाट है और ईस्ट की साइड ईस्टर्न घाट है, उनको हम कोस्टल प्लेन्स भी बोलते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हैं। अब एक बार ये सारी चीज़ें हम इस मैप में देख लेते हैं। इस मैप में इन्होंने दिखाया है वेस्टर्न घाट आपका ये है, ठीक है, ईस्टर्न घाट आपका ये है। वेस्टर्न घाट जो है जो वो ज़्यादातर टूटा फूटा है, जबकि जो ईस्टर्न घाट है वो ज़्यादा टूटा फूटा नहीं है। ये आपकी विंध्या रेंज है जो आपको दिखाई गई है। यहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर है, ठीक है, जो कि कहाँ पे गिर रही है, आके वेस्ट साइड आके गिर रही है, ठीक है। और यहीं पे आपकी तापी रिवर भी है, ये आपकी तापी रिवर है, ठीक है। नर्मदा और तापी दोनों रिवर यहीं आके गिरी हैं। ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया किसने बनाया है, गंगा रिवर ने, ब्रह्मपुत्र रिवर ने, गंगा के साथ उसकी यमुना जैसे ट्रिब्यूटरीज जो रिवर हैं, चेनाब है, और भी बहुत सारे रिवर हैं, इन सब ने मिलकर ये प्लेन एरिया को बनाया है। ऊपर हमारे हिमालयाज हैं, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री है, फिर मिडल हिमालय है, फिर शिवालिक रेंजेस हैं, आपको नज़र आ रहा होगा शिवालिक रेंजेस, ओके। तो ये एरिया यहाँ पे है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया गया डकन प्लेट्यू, डकन प्लेट्यू यहाँ पे है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, कोयला यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं। यह महानदी रिवर है जो कि यहाँ से ऐसे होकर और बे ऑफ बंगाल की साइड आकर गिर जाती है। तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, आई होप। डू यू नो द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं वो दोनों मिलकर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं वर्ल्ड का, जिसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। द डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, जो डेल्टा बनता है वो ट्रायंगुलर शेप में बनता है। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, इस एरिया को माउथ ऑफ द रिवर भी बोला जाता है। वेयर रिवर एंटर द सी, जहाँ पे रिवर सी के अंदर एंटर करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। ये भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, ये गंगा यहाँ पे आके यहाँ गिरती है, और ये ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से होते हुए और ये आके यहाँ गिर जाती है। अब दोनों मिलकर क्या करती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। लेट्स डू, मैनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर, बहुत सारी गर्ल्स होते हैं जिनके नाम रिवर पे होते हैं, जैसे यमुना, पंदा, किनी, कावेरी। डू यू नो एनी वन इन योर लोकेलिटी, क्या आप जानते हो अपनी लोकेलिटी में कोई ऐसी लड़की को जिसका नाम किसी रिवर पे हो। अपने पेरेंट्स से पूछो कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिनका नाम रिवर पे है। कुड यू ऑल्सो फाइंड अदर नेम्स, क्या आप कोई और ऐसे नेम भी ढूंढ सके हो तो उनके बारे में बताओ। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यहाँ पे बहुत सारे रिवर फ्लो करते हैं। वेस्ट की साइड तो सिर्फ दो ही हैं, कौन कौन सी हैं, तापी और नर्मदा, लेकिन ईस्ट की साइड बहुत सारी रिवर्स हैं। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इन टू द बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज, और ये फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ पे, यानी कि माउथ यानी कि वो जगह जहाँ पे वो समुद्र से आकर मिलती हैं, कुछ इस टाइप का वो बन जाता है। क्योंकि जब रिवर आके बहती है तो कोई यहाँ से कुछ, कोई जा रहे, कोई यहाँ से, इस तरीके से, तो इस तरीके का माउथ बना लेती हैं, ठीक है। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आती है, जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र आकर मिलते हैं सुंदरबन, वहाँ पर डेल्टा बनाता है बे ऑफ बंगाल में, ये मैंने आपको अभी दिखाया है। डू यू नो कॉरल्स आर स्केल्टन ऑफ द टाइम मैरिन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, कॉरल्स क्या होते हैं, स्केल्टन होते हैं किसके, एनिमल्स के, पॉलिप्स के। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब लिविंग पॉलिप्स मर जाते हैं, देयर स्केल्टन आर लेफ्ट, उनके स्केल्टन रह जाते हैं। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप, और अदर पॉलिप्स उनके ऊपर ग्रो करते हैं, ऑफ द हार्ड स्केल्टन विच ग्रोज हायर एंड हायर, जिससे के कारण वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। यानी कि एक मालूम पॉलिप्स की डेथ हो गई, उसके ऊपर ही दूसरा ग्रो करेगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी, उसके ऊपर तीसरा ग्रो करेगा, इस तरीके से वो बढ़ते चले जाते हैं। दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड, इससे क्या बनता है, कोरल आइलैंड बनता है, जैसा कि 7.4 में आपको दिखाया गया है, ठीक है। एक के ऊपर एक ये ग्रो करते चले जाते हैं और ये बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे है डेंजर वाटर्स ड्रॉन देयर इन सुमिता स्टार्टेड अ बिग क्वेक, यहाँ पे एक कुछ ये आपक स्नेहा ने और ये वृंदनाथ स्वेन ने बनाए गए हैं, इन्होंने कुछ लिखा है।
बट नो वन इज एक्सपेक्ट द सुनामी. सुनामी वगैरह के बारे में कोई नहीं जानता. वेव्स बिगेज माउंटेंस लाइक एन आर्मी दे चार्ज एंड इन टू द साउथ एशियन. मतलब इन्होंने बताया है कि किस तरीके से सुनामी आती है, वाटर किस तरीके से हमारे लिए डेंजर है, वो सब इनको आप रीड आउट कीजिए. और इसमें बताया गया है अभी देखो सुनामी कैसे आई, किस तरीके से बड़ी बड़ी जो ये आ रही हैं लहरें उठ उठ के, और ये क्या करते हैं आसपास का जो एरिया होता है उसको बिल्कुल फ्लडेड कर देती हैं. इन बच्चे ने ड्रॉ किया है, ये जो पर्सन है वेदना स्वैन, इसने ड्रॉ किया है इसको. टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया. दो जो आइलैंड के ग्रुप हैं वो भी इंडिया के अंदर ही आते हैं. कौन कौन से? लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, ये कोरल आइलैंड्स है. कोरल आइलैंड मैंने आपको अभी बताया है लोकेटेड ऑफ दिस कोस्ट केरला, केरला के पास ही है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि कहाँ पे है, साउथ ईस्ट में है, इंडियन मेनलैंड से थोड़ा सा दूर है, बे ऑफ बंगाल में है ये. डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड? क्या आप जानते हो कि कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड इनसे अफेक्टेड होता है द सुनामी इन 2004 में? 2004 में जो सुनामी आई थी उससे कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ था? फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से पता करो, रिपोर्ट से पता करो, एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल, और लोगों से पता करो कि किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे फेसेस क्या प्रॉब्लम्स को, क्या क्या वहाँ पे चेंजेस आए आफ्टर सुनामी. ठीक है, सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव्स. सुनामी क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं जो जनरेट होती हैं ओशन के अंदर, सी के अंदर, किसके कारण? अर्थक्वेक के कारण. अगर मान लो समुद्र के अंदर कोई अर्थक्वेक आया है तो उसके कारण उसके फ्लोर पे बिल्कुल ऊपर के लेवल पे क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं. ठीक है, सी फ्लोर पे, जिनको हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं. अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे इस साइड ये जो एरिया है ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, ये किस साइड है? बे ऑफ बंगाल की साइड. और ये है लक्षद्वीप आइलैंड. ये किस साइड है? ये केरला के अपोजिट साइड वेस्ट में है, और ये बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में है अंडमान निकोबार. ओके, तो ये आपको रीड आउट करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो. इस वीडियो के बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.